टी20 विश्व कप 2022 से भारतीय टीम के बाहर होने के बाद भारतीयों का इंटरेस्ट इसमें कुछ कम हो गया है, लेकिन अब आईसीसी ने ऐसा कुछ किया है कि हमारा इंटरेस्ट फिर से थोड़ा सा जग सकता है। और हुआ क्या है कि आईसीसी ने कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को मान्यता दी है और उनमें से दो खिलाड़ी भारत के हैं। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये आपको बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम के पराजय से करोड़ों देशवासियों का दिल टूटा, लेकिन इन सब के बीच आईसीसी ने 9 खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है और उनके खेल को सराहा है। और न सिर्फ सराहा है बल्कि 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 9 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। और खास बात ये कि इन 9 नॉमिनेटेड प्लेयर में 2 भारत के हैं, मतलब भारत के 2 खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आईसीसी ने सराहा है, उसे मान्यता दी है। कौन से 2 खिलाड़ी हैं, अब वो आपको बता देता हूं। तो जो पहला नाम है वो है विराट कोहली। आप सभी जानते हैं कि इस विश्व कप में विराट कोहली किस फॉर्म में थे और किस तरह से उन्होंने लगभग सारे अपोनेंट के खिलाफ कितने अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन किया है, और ये उन्हीं का प्रदर्शन था जो टीम को सेमीफाइनल तक लाने में मददगार रहा। अगर हम विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो 6 मैचों में उन्होंने 4 में तो अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 82 रन्स की जो इनिंग थी, जो कि बेस्ट पारी कही जा रही है, वही उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, वो मैच विनिंग पारी। इसके अलावा हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 296 रन बनाए और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 136.4 का रहा। और इस 296 रन को बनाने में जो उनकी मदद की वो 25 चौके ने की और 8 छक्के ने की। और उनका जो औसत है वो तो गजब का रहा इस विश्व कप में। इस विश्व कप में उनका जो औसत है, बैटिंग एवरेज है, वो है 98.66, 98.66। तो विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक मजबूत कंटेंडर है। इसके अलावा जो दूसरे भारतीय की मैं बात करूं तो वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्या की चमक से पूरा विश्व कप आलोकित हुआ और वहां पर जो उनका प्रदर्शन था उसके सभी ने जो है वो तारीफ की। और आपको अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए रन बनाने के मामले में वो दूसरे नंबर पर रहे विराट कोहली के पीछे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है तो जो 9 खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए हैं उनमें स्ट्राइक रेट के मामले में सूर्या सबसे आगे हैं। उनका जो इस टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट रहा वो लगभग 190 का रहा, एक अगर मैं पूरा बताऊं तो 189.68 का। और उन्होंने 239 रन बनाए 6 मैच में और इस दौरान उन्होंने 26 चौके और 9 छक्के लगाए। और उनकी जो बेस्ट पारी है वो 68 रन की है, 3 अर्धशतक भी लगाए उन्होंने, जिसमें से एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड 2 अन्य टीमें थी। तो 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ये जो 9 नामित खिलाड़ी हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, उसमें 3 इंग्लैंड के हैं, जिसमें कि सैम करन, एलेक्स हेल्स और उनके कप्तान जोस बटलर हैं। मैं इनके प्रदर्शन की भी बात करूं तो सैम करन ने टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है, पावर प्ले और स्लॉग ओवर्स में उनसे इंग्लैंड ने गेंदबाजी करवाई है, उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। हिल्स ने 211 रन बनाए हैं और जोस बटलर जो कि टीम के कप्तान हैं उन्होंने 199 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 143 का है और उन्होंने विकेट के पीछे 8 कैच भी लपके हैं। और इसके अलावा उन्होंने कप्तानी भी की है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में उनके नाम के लिए भी सोचा जा सकता है। पाकिस्तान से 2 खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं, शादाब खान और शाहिनशाह आफरीदी। शाहिनशाह आफरीदी पहले लय में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वो लय में आते गए, उन्होंने 10 विकेट लिए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के की प्लेयर की बात है तो मुझे लगता है कि शादाब खान का नाम सबसे पहले आना चाहिए। उन्होंने भी 10 विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण मौक़ों पर
रन भी बनाए हैं और जिसमें एक अर्धशतक जो कि बिल्कुल उनके लिए जब डू और डाई सिचुएशन था उस वक्त आया था। तो शादाब खान भी एक कंटेंडर हैं। इसके अलावा श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा जो हैं वो भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट किए गए हैं और उन्होंने 8 मैच में 15 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 6.41 है। लेकिन उन्हें 8 मैच मिला क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड भी खेला था और उसके बाद फिर सुपर 12 के भी मैचेस खेले, तो इसलिए उन्हें 8 मैच मिले हैं और अब ऐसा लगता है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो ना हो, लेकिन लगातार दूसरे साल जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो उनका रहा है तो विकेट लेने के मामले में वो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रहेंगे। 2021 में उन्होंने 16 विकेट लिए थे और 22 में उनके नाम अब 15 विकेट हैं, तो वहाँ तक कोई पहुँच पाता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा जो नवा नाम है वो है जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का। सिकंदर रजा ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है और 8 मैच में उन्होंने 219 रन बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मैच विनिंग जो गेंदबाजी थी उसे भी कोई नहीं भूल सकता जब उन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन 9 खिलाड़ियों के बीच एक मुकाबला है और सबसे दिलचस्प बात ये कि ICC ने इन 9 खिलाड़ियों की सूची अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है और वहाँ पर पब्लिक से ओपिनियन मांगा है, उनसे वोट करने को कहा है और उस आधार पर जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा। आपको क्या लगता है ये आप बेहतर बता सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अगर अब तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 विश्व कप की हम बात करें तो 2007 में शाहिद अफरीदी, 2009 में तिलक रत्न दिलशान श्रीलंका के, 2010 में केविन पीटरसन इंग्लैंड के, 2012 में शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के, 2014 और 2016 में विराट कोहली। तो 2 बार विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप में हो चुके हैं और अगर इस बार वो बनते हैं तो ये 3रा अवसर होगा। इसके अलावा 2021 में डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। तो फिलहाल आपके लिए जानकारी ये कि ICC ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 9 खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है जिसमें 2 भारतीय हैं और वो हैं विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो देखना है कौन सा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।